वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा जो ये व्लॉग है बहुत दिनों बाद आ रहा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो इसकी वजह से। और आज का जो व्लॉग है बर्थडे स्पेशल व्लॉग है, आज है रितेश का बर्थडे। बट अभी हम कहाँ जाने वाले हैं ये अभी हमें डिसाइड किया नहीं है फ्रेंड्स, अभी हम निकलते हैं, जाते जाते हम डिसाइड कर लेंगे। तो आप मेरे इस व्लॉग के साथ बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे इस व्लॉग को, ओके फ्रेंड्स। तो आप सभी देख सकते हो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपने घर से अपने पार्टी लोकेशन की तरफ। और जैसे ही हम निकले हमें मिला मुंबई की ट्रैफिक फ्रेंड्स। तो आप सभी जानते होंगे कि मुंबई की ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है और कितना टाइम लगता है उससे बाहर निकलने के लिए। फाइनली हम निकल चुके हैं फ्रेंड्स और हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट जो कि है कल्याण में। और जैसे ही हम कल्याण की रास्ते पर पहुंचे हमें मिला इतना सुंदर सा ये मेला देखने फ्रेंड, जो हम अपने बचपन में अपने गांव में देखते थे और मुंबई में देखना बहुत ही मुश्किल है फ्रेंड्स। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट जो कि है कल्याण में। तो आप बने रहिए और ये देखिए व्यू कुछ इस प्रकार है। और ये है हमारी कार जो अभी जाएगी पार्किंग के लिए फ्रेंड्स, और हम चलते हैं अंदर। और ये देखिए ये है आज के हमारे बर्थडे बॉय रितेश भैया, जिसे फोटोशूट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रेंड्स। और जैसे ही हम एंटर करने चले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट के रूल्स थे तो आप सब पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। और ये देखिए ये है वेटिंग सेक्शन फ्रेंड्स, तो फिलहाल हमारा भी वेटिंग चल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बच्चों के खिलौने भी रखे गए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए ये है ग्रीन लीफ रेस्टोरेंट और ये व्यू आप देख सकते हो कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव सॉन्ग्स चल रहे थे, बट कॉपीराइट इशू के वजह से मैंने सब सॉन्ग्स को म्यूट कर दिया है। और ये देखिए फ्रेंड्स सीटिंग सेक्शन कितना प्यारा और कितना सुंदर है। तो अभी हम चलते हैं ऊपर देखने के लिए सीटिंग सेक्शन, और जो हमें अच्छा लगेगा हम वहीं पे बैठ के अपना डिनर करेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए व्यू कुछ इस प्रकार का था, तो हमें उतना अच्छा नहीं लगा तो हमने सोचा हम नीचे ही जाते हैं। और हम फाइनली फिर नीचे उतर गए हैं फ्रेंड्स, और हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ बैठेंगे, वहाँ पे हमारा डेकोरेशन वगैरह हो चुका है। और ये देखिए ये है डेकोरेशन हो चुका है और यहाँ पे हम बैठ के अपना केक वेक कट करेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ लाइट का इशू हो रहा है, कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, वो भी वो भैया कुछ ट्राई कर रहे हैं बट देखते हैं अभी। और थोड़ा बहुत हमने फ़ोटोशूट कर लिया है। और ये देखिए यहाँ पे रितेश भैया का फ़ोटोशूट चल रहा है, और रितेश को बिल्कुल पसंद नहीं फ़ोटोशूट करना फ्रेंड। और ये देखिए फ़ोटोशूट चल रहा है रितेश का। और ये देखिए फ्रेंड्स व्यू, और ये जो आप टेबल देख रहे हो वाटर के अंदर, ये 15 to 18 पीपल्स का है। और फिलहाल पर सबका मूड ऑफ हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर केक अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हमें इसे छोटे से केक से रितेश का बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ा फ्रेंड्स। हमारे रितु भैया का मूड ऑफ हो गया है, हमारे रितेश को गुस्सा आ रहा है, जबरदस्ती वाला स्माइल देता है रितु भैया। और यहाँ पर केक कटिंग हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पर केक खिलाया जा रहा है। सबसे पहले पापा की बारी, फिर रितेश की बारी, फिर पापा के बाद आई मम्मी की बारी, और मम्मी का बेटे का प्यार, और उसके बाद मैं और रितेश भैया केक खिलाते हुए, उसके बाद सुमेध और रितेश भैया एक दूसरे को केक खिलाते हुए, और उसके बाद इतना सुंदर सा ये व्यू फ्रेंड्स लाइव सॉन्ग के साथ। ये हमारा स्टार्टर जो कि बहुत ही प्यारा दिख रहा है, देखते हैं खाने में कैसा है। और यहाँ पे सर्व किया जा रहा है हमारा स्टार्टर फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा प्लेट भी लग चुका है और अभी हम खाना खाएंगे बर्फ पे, उसके बाद बताऊँगी कैसा टेस्ट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हो खाने के बाद गर्म गर्म सिजलर केक हमने मंगाया फ्रेंड्स, तो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे धुआं निकल रहा है, कितना गर्म है ये। और उसके बाद फ्रेंड्स गरम गरम केक पे यहाँ पे डाला गया चॉकलेट सिरप फ्रेंड्स, देख सकते हो कितना गरम गरम। उसके बाद हमने फुल एंजॉय किया इस सिजलर केक को। और यहाँ पे हमारे रितेश भैया आइसक्रीम खा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि रितेश को आइसक्रीम पसंद है। और उसके बाद यहाँ पे लाइट वाइट ऑफ किया गया फ्रेंड्स, इस सुंदर से व्यू को देख सकते हैं आप सभी, खाना भी टेस्टी था, व्यू भी बहुत अच्छा था।
और बहुत पसंद आया फ्रेंड्स, तो आप सभी भी विजिट कीजिएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आज का ये जो ब्लॉग था, ये था ग्रीन लीफ जो कि कल्याण में है, जो कि बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा था। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ का कुछ भी बुरा लगा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।